हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हम अपने फेशियल हेयर को परमानेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 दिनों। देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, जिसको ग्राम फ्लोर भी बोलते हैं, मिल्क एंड ये हल्दी है, ये कस्तूरी हल्दी है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस चम्मच से 1 चम्मच बेसन है, हम इसमें ये कस्तूरी हल्दी डालेंगे, इसके में मिल्क डालेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे हम, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें थोड़े से भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। ये हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है, हम इसे अपने हेयर से अच्छे से अप्लाई करना है। आप इसे ब्रश से या अपने हाथों से यूज कर सकते हैं, मैं अपने हाथों का यूज करती हूँ। मिलते हैं इसको सूखने के बाद। 20 मिनट आप देख सकते हैं मैं इस फेशियल को थोड़ा सा गीला कर ली हूँ और इससे थोड़ा सा इसको ढक के रखती हूँ। अब इसको रब करना है। रब करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में ही रब करना है, इससे बाल जल्दी से रिमूव होंगे। अगर आप उसी डायरेक्शन में रब करेंगे जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है, तो वो बाल बाहर नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रख के ही ये रेमेडी को यूज़ करें। अब वॉश कर लीजिए इसको। तो देख सकते हैं मेरे फेस पर लाइट रिजल्ट। अगर आप इसे 7 दिन तक रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके फेशियल हेयर परमानेंट रिमूव हो जाएंगे और आपका जो फेस है वो एकदम क्लीन क्लीन दिखेगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूले, अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको पूछना हो, कुछ भी रिक्वेस्ट हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंस्टेंटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी और आपके हर टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।